नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ अफ्रीका का एक विचित्र देश लीबिया के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते। दोस्तों, लीबिया अफ्रीका के उत्तर में स्थित एक तेल समृद्ध देश है। इस देश का लगभग 90% हिस्सा मरुस्थल होने के वजह से यहाँ के ज्यादातर लोग समुद्र के तरफ देश के उत्तरी हिस्से में रहते हैं। यहाँ पे कुछ मरुस्थल ऐसा है जहाँ कभी कभी 5 से 10 साल तक बारिश नहीं होता। 1969 से पहले लीबिया में राष्ट्र शासन था, लेकिन 1969 में मिलिट्री के द्वारा गद्दाफी पावर में आ गए। लेकिन 2011 साल में लीबिया में अरब स्प्रिंग का प्रभाव पड़ा और गृह युद्ध के बाद गद्दाफी को पावर से हटा दिया गया। गद्दाफी के दौरान पूरे लीबिया में एक ही सरकार शासन करता था, लेकिन गद्दाफी के बाद लीबिया की सरकारें 2 हिस्सों में बट गई और इनमें एक सरकार को दुनिया के ज्यादातर देश मान्यता देते हैं। इसीलिए लीबिया में फिर से गृह युद्ध शुरू हुआ जो हजारों लोगों का मौत का कारण बना। लीबिया में तेल का आविष्कार 1950 के दौरान करा गया और आज लीबिया अफ्रीका का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। लीबिया सरकार का ज्यादातर पैसा खनिज तेल से आता है, लेकिन इस तेल के पैसे से वहाँ के आम इंसान को फायदा बहुत ही कम होता है। तेल के अलावा यहाँ के लोग टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट और सीमेंट जैसे चीजों का उत्पादन करते हैं। लीबिया का राजधानी और सबसे बड़ा शहर त्रिपोली है, जिसको इस देश का अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस हब भी कहा जाता है। इस देश का अर्थव्यवस्था अफ्रीका के अन्य देशों से काफी अच्छा माना जाता है और यहाँ पे आदमी प्रति आय भारत का 2 गुना और पाकिस्तान का लगभग 3 गुना है। यहाँ की करेंसी दिनार है और लीबिया का 1 दिनार भारत का 46 रुपया होता है। लीबिया में गृह युद्ध के वजह से यहाँ पे बेकार की मात्रा बहुत ही ज्यादा है और ये लगभग कुल आबादी का 21% के आसपास है। गद्दाफी एक तानाशाह होने के बावजूद उस वक्त लीबिया की आर्थिक वृद्धि बहुत ही ज्यादा था और यहाँ के लगभग 70% लोग सरकारी नौकरी करते थे। उस दौरान यहाँ पे बेकार की मात्रा सिर्फ 7 से 8% था, लेकिन हाल ही में यहाँ बेकार की मात्रा लगभग 20 से 21% है। सांस्कृतिक तौर से लीबिया अफ्रीका का बहुत ही विचित्र देश माना जाता है और यहाँ पे रहने वाले कुछ बर्बर प्रजाति के लोग इसे और भी ज्यादा रोमांचक बनाते हैं। लीबिया की कुल आबादी लगभग 64 लाख है, जिसमें लगभग 97% लोग इस्लाम धर्म का पालन करते हैं, लेकिन इस देश का इतिहास ईसाई धर्म से काफी जुड़ा हुआ है। लीबिया के ज्यादातर लोग लीबियन अरेबिक में बात करते हैं। लीबिया में शरिया कानून लागू है, इसलिए यहाँ पे शराब पीना गैर कानूनी है, लेकिन शरिया कानून के बावजूद शहरों के लोग काफी मॉडर्न माने जाते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और अगर अच्छा नहीं लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं क्यों अच्छा नहीं लगा।